आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा जिले के गोविंदगढ़ थाना प्रभारी रहे वीरेंद्र प्रताप सिंह ने दो दिन पूर्व उनके ऊपर की गई लोकायुक्त की ट्रैप कार्रवाई को रंजिश की गई कार्रवाई बताया है। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा ट्रक संचालक या चालक सहित किसी भी से रुपए की मांग नहीं की गई है, बल्कि उन्होंने कानूनी कार्रवाई करते हुए डंपर को जब्त कर चालान न्यायालय में पेश किया था, जिसके चलते उसे 1,00,000 रुपए से ज्यादा का जुर्माना हुआ था। इसी रंजिश के चलते उसने यह झूठी कार्यवाही की है। उन्होंने कहा है कि लोकायुक्त द्वारा उनको रिश्वत लेते पकड़ा जाना बताया गया है, जबकि उनके पास से ना ही रिश्वत के रुपए जब्त हुए हैं और ना ही किसी प्रकार की उनकी रिकॉर्डिंग मिली है, बल्कि उन्हें रंजिशन फंसाया जा रहा है। गोविंदगढ़ के तत्कालीन थाना प्रभारी ने कहा कि विभाग में कई ऐसे थाना प्रभारी हैं जिनके ऊपर इस प्रकार के आरोप लगे हैं, लेकिन अब तक उनके ऊपर विभागीय कार्यवाही किसी प्रकार की नहीं की गई है, जबकि उन्हें तत्काल निलंबित कर दिया गया है। आइए सुनते हैं इस पूरी कार्रवाई को लेकर निरीक्षक वीरेंद्र प्रताप सिंह ने क्या कहा है। नहीं, ये जो मीडिया में खबर चली है और जो पेपर में निकला है ये पूरी तरह से गलत है, और जो लोकायुक्त वाले ने इंटरव्यू दिया है ये भी सरेआम झूठा है। दिनांक मैं थाना प्रभारी गोविंदगढ़ था, दिनांक 8/2022 को दोपहर में ओवरलोड डंपर नंबर MP 53HA 2081 को ओवरलोड वालूम पकड़ा। 17 टन ओवरलोड था, उसमें चालक राविंद्र पटेल था और उसमें वाहन स्वामी जो है प्रदेश कुमार सिंह हैं, और चलान करके मैंने न्यायालय में चलान पेश किया हूँ, जिसमें 11 तारीख को 1,12,056,056 वाहन स्वामी और चालक को जुर्माना हुआ है। हमारे जिस दिन अदालत में जुर्माना हुआ, मैं वहाँ अदालत में कार से गया था, तो ये हमको जो है उसका वाहन संबंधित व्यक्ति मिला था और मेरे से ये कह रहा था कि सर गलती हो गई है और मेरी 2-3 गाड़ी चलती है, अब गलती नहीं होगी, आप नाराज़ हैं। तो हमने कहा कोई इसमें कौन सी नाराज है, नाराज़गी कोई बात नहीं है, मैंने कोई पैसे की मांग नहीं की, कोई इंटिक संबंध में बात नहीं किया और ना मेरी कोई आवाज़ उसमें टेप है कि पैसे के संबंध में कोई टेप हो। और जिस दिनांक को लोकायुक्त गए हैं ये लोग ज़बरदस्ती मतलब मैं थाना में हमारे साथ लपट पड़े हैं जाके और बोले कि आपने पैसा लिया है, मैंने कहा कोई पैसा नहीं लिया हूँ, ये लोग ज़बरदस्ती मेरे साथ उठा के मुझे रेस्ट हाउस ले गए और कहने लगे कि आप पैसा लिए हैं, उसमें आप और जयप्रकाश सिंह हवलदार मिल के पैसा लिए हैं। मैंने कहा मैं कोई पैसा नहीं लिया हूँ, मेरे पास से कोई पैसा बरामद नहीं हुआ, ना मैंने कोई पैसे की डिमांड की, केवल इसकी कार्रवाई हुई है। इस कारण जो है ये ट्रक वाहन स्वामी हैं या उसके संबंधित हैं ये लोग रंजिश बस ये कार्रवाई कर रहे हैं। कोई रिश्वत का मामला नहीं प्रमाणित हो रहा है, ऐसे मामलों में कोई भी विभाग निलंबन नहीं करता, जब लोकायुक्त तो चलान पेश करता है तब निलंबन होता है। मुझे निलंबित कर दिया गया है वहाँ से और मैं चला भी आया वहाँ से। मैं जो पेपर और मीडिया में ये कार्रवाई चल रही है कि इनने पैसे की मांग की और पैसा हाथ में लिए, ये गलत है, पूरी तरह से गलत है। मेरे हाथ से कोई पैसा जब्ती नहीं हुआ, ना कोई मैंने पैसा लिया, ना कोई पैसे की मैंने मांग की है। फरियादी के द्वारा जो शिकायत की गई थी लोकायुक्त में, उसका ये कहना है कि थाना प्रभारी के द्वारा हमसे पैसे की मांग की जा रही है। नहीं, पैसे किस बात की मांग करेंगे, जब मैंने उसका चलान कर दिया और इस्तगासा उसका न्यायालय में पेश भी कर दिया और उसको दिनांक 11 को जुर्माना भी हो गया 56,056 1,12,000, फिर मैं किस बात के लिए पैसा मांगूंगा। मीटिंग के जरिए भी किया कि न्यायालय के सामने उनसे बातचीत हुई थी, जिसमें राजकुमार को कुछ पैसे दिलवाए थे और बोला था कि जयप्रकाश सिंह से जाके मिलना और उन्हें 6,000 रुपये देना है। नहीं, मैं कोई जयप्रकाश का नाम ही नहीं लिया हूँ, मैं राजकुमार से कोई राजकुमार को पैसा देने के लिए कुछ भी नहीं कहा हूँ, कोई हमारा उससे राजकुमार कोर्ट मर्री है, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। मेरी उसकी बात के एक व्यक्ति से हुई है, मैं उसका नाम नहीं जानता हूँ, उससे मेरी बात हुई है, पर मेरे ने कोई उससे पैसे की बात किया, ना कोई ट्रक के संबंध में, ना कोई इंटिक संबंध में कोई बात नहीं किया हूँ। जैसा कि उसका लोकायुक्त का भी कहना है कि उस समय उसके आदमी वहाँ मौजूद थे जब आपने आज उसके फरियादी के बीच बातचीत हो रही थी। नहीं, कोई नहीं था, वो राजकुमार सिपाही खड़ा था और वो जो संबंधित वो बात किया मेरे से, उसका नाम मैं नहीं जानता हूँ, वो खड़ा था, बाकी कोई नहीं था।
क्या मानते हैं आपके ऊपर रंजिशमस कार्रवाई की गई है? ये हमने जो कार्रवाई की है इसको 1,12,000 जुर्माना हुआ, उस रंजिश के कारण ये सब कार्रवाई हो रही है। लोकायुक्त द्वारा मेरे खिलाफ झूठी कार्रवाई की गई है, मेरे खिलाफ उनके पास कोई सबूत नहीं है। तो फरियादी से किसी भी तरह से आपसे न्यायालय के सामने मुलाकात या चर्चा नहीं हुई? नहीं, एक व्यक्ति आया था ट्रक से संबंधित, वो ये कह रहा था कि गलती हुई मेरे से, मेरे 3 ट्रक चलते हैं, मेरे से गलती हुई है, अब गलती नहीं होगी, आप नाराज मत होइएगा। आगे भी कुछ बात किया था जो? नहीं, कोई और हमसे कोई पैसे की कोई किसी प्रकार की न उसने बात किया न मैंने बात किया। तो आपको इसके बाद ये कार्रवाई के बाद सस्पेंड कर दिया गया, तो क्या कहते हैं कि मतलब कार्रवाई? देखिए, इस प्रकार के कई थाना प्रभारी जो है रीवा और सिंगरौली जिले, कई जिले में है ऐसे हुए हैं जिनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, लोग अभी थाना पदस्थ हैं, उनका कोई निलंबन नहीं किया गया है, मेरे विरुद्ध किया गया है, और ऐसी कार्रवाइयों में कभी निलंबन नहीं होता है। मेरी जानकारी के अनुसार कई न्यायालयों की रूलिंग है। कार्रवाई में राजकुमार पूरी डीलिंग कर रहा था ऐसा कुछ बताया गया? नहीं, मैं उसके संबंध में मेरे सामने उसने कोई बात नहीं की, मेरे सामने उसने कुछ नहीं बात की, वो खड़ा था केवल, वो अचानक वहीं मिल गया था इसलिए बात हो गई थी, मैं कोई ने बुलवाया ना कोई मेरी उससे मुलाकात की कोई जरूरत थी।